चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन द मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। देखो सबसे पहली बात, पहला फोर्स अगर उसको एफ कंसिडर कर लें और दूसरा फोर्स डबल है, ठीक है, और जो उसका रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स पे, तो ये एफ टू को टू एफ कह दिया हमने। और इसका मैं अगर पैरेललोग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, और ये इसको रिजल्टेंट कह दिया मैंने, और ये 90 डिग्री है और ये अल्फा 90। तो टेन अल्फा क्या होता है? सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा अपॉन थीटा, क्या हो दोनों के बीच का एंगल थीटा ये है, अपॉन फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो ये अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो टेन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव इज इक्वल टू सेकेंड वेक्टर कौन है? 2f, 2f साइन थीटा अपॉन f प्लस 2f कॉस थीटा, ये साइन है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव का मतलब ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो होगा, यानी f प्लस 2f की वैल्यू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? माइनस 1/2। कॉस थीटा में माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 120 की वैल्यू होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 120 आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।